सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरुस्केप्स। आज की वीडियो लेके मैं आ रही हूँ, जो कि आपको टाइटल से समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो क्या है। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं पहली बार कोई हॉल वीडियो कर रही हूँ, लाइक ट्राई ऑन हॉल। हॉल वीडियो मैंने की है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स की है, ऐसे मैंने क्लोदिंग की नहीं की है। तो आई एम रियली एक्साइटेड। ये रीज़न है क्योंकि मैं ये बैकग्राउंड लेके बैठी हूँ। आपको पता है मेरे घर के पास इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, कि इतना नॉइज़ आता है यार कि कहीं पर वीडियो नहीं बना सकता। और मैं बहुत मुश्किल से ये कोना ढूंढ के बैठी हूँ, उसमें भी इतना नॉइज़ आ रहा है। लेकिन प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड एंड इग्नोर द होल नॉइज़ और कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो। और सो या, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी वीडियोस देखने में, जो कि एक हॉल वीडियो है, ट्राई ऑन हॉल, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हमारा प्रोडक्ट है ये वाला स्वेटशर्ट मेरा बहुत फेवरेट हो गया जब से ये आया है। ये है ब्रांड ड्रेसबेरी का, और इसका कलर, ओह माय गॉड, देखो कितना प्रिटी कलर है ये। इसको आई थिंक इसे पाउडर ब्लू बोलते हैं ये कलर को। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो स्काई ब्लू, ठीक है। तो ये कलर है ये, और ये है साइज M। और इसका प्रोडक्ट का डिटेल, डिस्क्रिप्शन, लिंक, प्राइस सब कुछ मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख लेना। तो ये ब्रांड है ड्रेसबेरी का, और ड्रेसबेरी ब्रांड इतना अच्छा होता है ना, माई गॉड, इतना अच्छा क्वालिटी है। और बताए, ये ना प्योर वूल तो नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खासा गर्म करेगा। मैंने इसे पहना नहीं अभी तक, ट्राई किया है बट ऐसे पहना नहीं है प्रॉपर। अगर मैं पहनूंगी तो मैं कभी ना इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी कि गर्म हो रहा है कि नहीं। और इसकी ना स्लीव बहुत सुंदर है, ये देखो, ये इतना अच्छा लुक देती है ना, ओह माय गॉड, बहुत मजा आता है इसको पहन के। और ये तो ये है प्रॉपर इसका लुक ऊपर से नीचे तक, और इसकी स्लीव्स में डिटेलिंग है बस थोड़ी सी, जो कि बहुत ही क्लासी लगती है पहनने के बाद। मतलब इसकी स्लीव से इसका होल पूरा लुक बदल जाता है, सो दैट्स व्हाई आई लव दिस स्वेटर और स्वेटशर्ट जो भी है। तो ये मुझे मस्त सेल में पड़ी थी, विंटर वाला जो सेल अभी चल रहा था, तो मुझे मस्त वाला डिस्काउंट मिल गया था। सो अब बढ़ते हैं दूसरे वाले पे। सो दूसरे वाला पॉलिथिन में डाला है तो थोड़ा नॉइस क्रिएट करेगा। तो दूसरा वाला जो है ये भी बहुत प्यारा है, ये भी ड्रेसबेरी ब्रांड का है, और इसकी स्लीव भी फुल स्लीव्स है। और यहाँ पे इसके कफ में ये वाली डिटेलिंग है ब्लैक कलर की बॉर्डर की, और इसके जो ये नेक पे है, ये नेक पे ब्लैक कलर का बॉर्डर डिटेलिंग है। बाकी ये प्लेन ऐसे स्वेटशर्ट और स्वेटर काइंड ऑफ है। और इसका जो है ना, ये पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसा पैटर्न है जाली वाला, ये आपको दिख रहा है पीछे से मेरा हाथ, क्या बोलते हैं उसको, नेट वाली पैटर्न है। तो ना ये थोड़ा मेरे को नहीं लगता कि उतना वॉर्म होगा, क्योंकि ये कवर्ड नहीं है। लेकिन यार ये पैटर्न बहुत अच्छा, और ये कलर इतना अच्छा है ना, लेकिन मुझ पर ये कलर मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। सो ये वाला कलर मुझे पसंद है। और इसका साइज मैंने L मंगाया था अपनी मम्मी के लिए, बट उनको नहीं पसंद आ रहा, तो ये शायद मैं रख लूँगी। तो ये वाला L है, बट ठीक है, ओवर साइज वाला जो हम लोग आजकल पुल ओवर कैरी करते हैं ना, तो ये बहुत ट्रेंड में है, सो मैं वैसे इसको पहन लूँगी। तो जो तीसरा स्वेटर है ना, वो मुझे भी बहुत पसंद आया, और ये मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगाया है। ये स्वेटर कार्डिगन काइंड ऑफ है, तो यहाँ पे ना ये इसके बटन्स वाले हैं, ये ऐसे कुछ बटन है यहाँ पे, और इसका नेक डिटेलिंग बहुत अच्छा है। और इसके जो ये हैंड्स है ना यहाँ पे एंड में, ये ऐसे पैटर्न है ब्लू कलर का, और यही इसके यहाँ पे है जो नीचे वाला पैटर्न है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कार्डिगन है, और इसका कलर बहुत प्यारा है, पीची लाइक पीच पेंट में है ये देखो। और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, ऐसा ही टोल्ड यू, ड्रेसबेरी के बहुत अच्छी क्वालिटी है स्वेटशर्ट की अभी तक मैंने देखी है, और तो मैंने इसके ब्रांड के कुछ लिए नहीं है। सो ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। सो या, ये वाली स्वेटर भी, और ये वॉर्म भी है, अच्छा वॉर्म करेगा ये स्वेटर। सो आप इसको ट्राई कर सकते हो एज अ कार्डिगन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गर्ल्स के में उतना भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आप ऐसे उसके साथ लाइक अंडर पैंट के साथ ऐसे कैरी कर सकते हो। सो अब मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट स्वेटर की तरफ।
ब्लाउज जो की है, ये वाला जो मैंने कैरी किया है, सो ये वाला जो स्वेटर है ना, ये बेसिकली एक स्वेट शर्ट है, इसका ब्रांड अलग है। बाकी जो मैंने दिखाया वो सारे ही ड्रेस बेरी के थे। ये वाला जो है ये रोस्टर का है, और रोस्टर का ब्रांड लाइक मैंने इसके जितने भी टॉप जितना भी कुछ भी मंगाया है ना, ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और इतना ही मिनिमम इसका प्राइस होता है। तो मुझे ये कंपनी बहुत ही पसंद है। सो ये वाला जो इसका स्लीव है ना, इसका पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया। ये भी रफल्ड में है जैसे कि मैंने ब्लू वाला दिखाया आपको। सो ये दोनों में ऐसे डिटेलिंग है, और इसकी जो नेक लाइन है वहाँ पे ये ऐसे प्लेन जाता है, बाकी इसकी जो है ऐसे लाइनिंग वाली पैटर्न है। और इसका अच्छा सा ये ना जो स्लीव है ना, ये थोड़ा सा ये देखो बलून टाइप का इफेक्ट देता है, थोड़ा बड़ा बड़ा सा लाइक अच्छा पफी स्लीव लगता है इसके। और जो इसका पैटर्न है ओवरऑल नीचे में भी फ्रिल है इसके, अच्छा वाला डिटेलिंग दिया है जो कि बहुत मुझे मस्त लगा। मेरे पास ऐसे वाला कोई भी स्वेटशर्ट नहीं था जिसमें ऐसे डिटेलिंग हो रफल वाली, सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सो या ये वाला भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला ड्रेस। सो बेसिकली मुझे चारों जो जितने भी मैंने दिखाया ना मुझे बहुत पसंद आया। रोस्टर का मैंने एक हुडी भी लिया था, लेकिन वो मैंने पिछले साल लिया था इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, बट मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। वो भी हुडी इतना ज़्यादा अच्छा लाइक वो इतना गर्म है ना, आप उसको अच्छी वाली ठंडी में भी पहनोगे ना तो आपको अच्छा वाला वॉर्म देगा, ठीक है। तो वो ना मस्त वाला हुडी, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। सो या ये सब इसके लाइक रोस्टर के दो हो गए, बाकी तीन मैंने ड्रेस बेरी का बता दिया। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड है अच्छे वाले जो मैंने सोचे हैं लेने के, तो जब अगर मैं वो वाला लूंगी तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसमें दिखाया हुआ कुछ भी चीज़ पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल अप्रिशिएट अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो, क्योंकि यार आपको कुछ नहीं होगा इसको सब्सक्राइब कर देने से, बट मुझे बहुत लाइक मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अभी मेरा ये फर्स्ट ट्राई ऑन हॉल था प्रॉपर, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताओ प्लीज़ कि कैसा मैंने किया, सब कुछ अच्छे से डिटेल दिया या नहीं, और कुछ अगर कमी है तो वो भी मेंशन करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे से बना पाऊँ। सो या छोटा सा हॉल वीडियो था ये, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।